गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम टू माई चैनल। सो आज मेरे बैंग्स वैंग्स सब ऊपर है क्योंकि मैं द नन देख के आई हूँ। नो, एक्चुअली मैं बैंग्स ऊपर ही रखने लगी हूँ, बहुत ह्यूमिडिटी एंड ऑल है तो बहुत गर्मी होने लगी है मुंबई में इसलिए। और आज फिर से अरफात है हमारे साथ। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको बताया थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोल डाला था कि डू यू गाइज वॉन्ट शॉपिंग हाउल, तो सबने बोला येस येस, मतलब स्ट्रीट शॉपिंग हाउल, तो सबने बोला येस येस येस। तो हम लेकर आए हैं आज स्ट्रीट शॉपिंग हाउल, तू समझा? हाँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो मेरा नाम शिफा है, शिफा मेमन, और ये है अरफात जो मेरी कजन सिस्टर का बेटा है। आपको अगर इसके बारे में और जानना होगा तो मुझे बताना, मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। वीडियो बनाने से पहले उसको 10 बार समझाना पड़ता है, प्लीज मेरे साथ वीडियो में आ जाओ। क्यों नहीं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड बोर यू गाइज मोर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आपको मैं बता दूं कि ये जो मैंने टॉप पहना है, तो आपको अगर ये खरीदना है तो आप, मेरा एक पेज है और मैंने अभी उसको, मतलब मेरे ब्रांड को मैंने लॉन्च नहीं की हूँ, बट अगर आपको चाहिए कि ऐसा टॉप आप पहनो तो आप मेरे पेज से शॉप कर सकते हो। और मैं, मतलब शिफ्टिंग एंड ऑल बाद ही मैं अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकती हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है और बहुत सारी चीज़ें हैं ये मंथ में, तो मैं अपडेट देती रहूँगी आपको, ऐसे नहीं कि मैं गायब हो जाऊँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, पहले मैं ये टॉप से स्टार्ट करती हूँ। तो ये टॉप मैंने लाया है हिल रोड एल्को की तरफ से, एंड ये टॉप मुझे कुछ मिला है, मुझे ऐसे टॉप बहुत पसंद है मतलब, और अभी इसका सीज़न तो नहीं है बट ये पहन सकते हैं आप क्योंकि ये देखो सी थ्रू है थोड़ा सा, तो ये आप नॉर्मल डेज में भी पहन सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। बट यस, जो ये मटीरियल होता है इसको आई थिंक क्रोशे मटीरियल बोलते हैं या पता नहीं क्या मटीरियल बोलते हैं, आई डोंट नो। ये मुझे मिला था 350 रुपीज़ में, अंकल बोल रहे थे 550 या समथिंग, बोला नहीं नहीं आप बहुत महंगा दे रहे हो, तो यस ये मिला है मुझे 350 में। और ये मैं पहन चुकी हूँ गाइस मेरे बेस्ट फ्रेंड का, इससे पहले आपने व्लॉग जो देखा होगा, इससे पहले जो व्लॉग मैंने डाला है उसमें मैंने पहनी हुई ये ड्रेस और ये जीन्स भी। सो वहाँ पर लिवाइस की जीन्सेस भी मिलती है बैंड्रा में, और ये नी कट जीन्स मैंने लिया है, आई थिंक ये मैंने लिया था 600 या 700 में। यस तो लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि ब्रांड की जीन्स है तो मैम महंगी मिलती है दिस एंड दैट, तो ये उन्होंने मुझे दिया 700 में आई गेस। और मतलब यूजुअली आपको 500 600 में जीन्सेस मिल जाती है। और गाइस, सो तीन ऐसी चीज़ मैंने ली है जो कलर अलग अलग है बट सेम मटीरियल है और सेम चीज़ है, मतलब नहीं, मैं नहीं मानता। तो अभी ये न्यू ट्रेंड निकली है आई थिंक, तो बैंड्रा में ये बहुत, मतलब ऐसा वो लोग ने, मैंने ज़्यादा बार्गेन भी नहीं किया और उन्होंने मुझे आई थिंक पर पीस 800 का दिया, तो ये थोड़ा कॉस्टली है मतलब जीन्स से, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लाइक ये देखो, ये कुछ ऐसा मटीरियल है और ये सब बहुत कंफर्टेबल होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कार में कहीं जा रहे हो या फिर, है ना अरफात, तो अरफात के लिए भी हम ऐसा कुछ लाएंगे, बट पता नहीं बॉयज़ के लिए मिलता है या नहीं। तो ये देखो यहाँ पर साइड में, दोनों साइड में आपको ये लोग ने ऐसा कुछ बटन दिया हुआ है जो आप लूज़ कर सकते हो। तो ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था ये ऐसी थी राइट, अभी ये ऐसी हो गई। यस, एडजस्टेबल है ये और आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, एंड इसमें बटन भी है, जिप भी है, जैसे जीन्स होती है ये वैसी है, बस फैब्रिक थोड़ा सा अलग है। और साइड में पॉकेट्स भी दिए हैं इन लोग ने, और नीचे से भी इसका बहुत, मतलब अगर आपको स्ट्रेट पैंट जैसा पहनना है लूज़ पैंट तो आप वैसा भी पहन सकते हो उसको, नीचे भी सेम उन लोग ने सिमिलर दिया है लूज़ जैसा, और सी तो ये नीचे से ऐसा है, तो अगर आपको ऐसी लूज़ पहनना है तो आप लूज़ भी पहन सकते हो, और आपको ऐसा मतलब टाइट पहनना है तो टाइट भी पहन सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट इसको बैगी पैंट्स बोलेंगे, और मुझे इतनी पसंद आई आई स्वेयर कि मैंने तीन ले लिए हैं, तो मैं तीनों को अभी यहाँ पर
तो मैं तीनों को अभी यहाँ पर आपको बताऊंगी कि ये भी सेम है ये भी, बस आपको कलर्स बता देती हूँ कि सिमिलर एक ब्लैक लिया है और एक ऑफ वाइट टाइप्स कुछ है, ऑफ वाइट या पता नहीं बेज टाइप्स है, बेज तो नहीं ऑफ वाइट ही है, एंड दिस इज ऑलिव ग्रीन आई गेस या फिर ग्रीन पता नहीं जो भी मिलिट्री ग्रीन, ये ब्लैक कलर है उसी में, जिसने भी ये डिज़ाइन किया है या बनाया है थम्स अप टू यू। अभी ये पहनने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब कितना चलता है, फटता तो नहीं है या फिर वॉश के बाद कैसा रहता है। तो अगर आपको चाहिए मैं आपको ये बताऊँ तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में बता दूँगी आपको, पर मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब होगा बिकॉज़ ये ख़राब होने वाला मटेरियल मुझे लग नहीं रहा है। ये देखो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, तो ये एक और एक कलर है ठीक है। तो ये तीन कलर, दिस इज़ नॉट गोल्डन, दिस इज़ ऑफ वाइट टाइप्स कलर। ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने लिया है कुछ 400 का, और ये ऐसे प्रिंट्स और सॉरी ऐसा फैब्रिक बहुत चल रहा है आजकल। सो या मुझे अच्छा लगा एंड ये मुझे मिला 400 में, अभी हर जगह बार्गेन तो मैं नहीं कर सकती हूँ। और ये है कार्डिगन जैकेट और ये मुझे मिला है 350 रुपीज़ में। यहाँ पर भी ये भैया, ये मैंने लिया है वो जो तीन जीन्स मैंने लिए, जीन्स नहीं बोल सकते उसको, कार्गो पैंट्स टाइप जो लिए है लूज़, वहीं वही शॉप से मैंने लिया है। तो ये एक ही था वहाँ पर और ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जैकेट टाइप्स। तो आप अगर मुझे ऐसा कुछ पहनना है स्लीवलेस, तो मैं उसको उसके ऊपर कवर अप करने के लिए ये पहन सकती हूँ। ये है हमारे ब्रांड का टी शर्ट, हाँ तो ये जहाँ से मैंने लिया है मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी मैं इसको अपने ब्रांड में कंसीडर करने वाली हूँ। तो यस, मतलब ये मेरे नोन का ही शॉप है और समवन आई नो वेरी वेल, और मैं उनके साथ में ही आगे मतलब बिजनेस करने वाली हूँ, तो मैं ये नहीं बताऊँगी। ये देखो ये जो मैंने पहना है और ये सिमिलर है, मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। और इसका मैं प्राइस बता देती हूँ आपको, मुझे वहाँ से ये मिला है 250 में, तो मैंने ये दोनों टॉप लिए थे, तो मतलब 300 उन लोग बोलते हैं मोस्टली या 250 ही बोलते हैं, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बार्गेन करोगे ज़्यादा कपड़े लोगे मतलब वहाँ से, तो वो लोग मे भी आपको 200 में भी दे दें ठीक है। फिर हमारे पास में है ये दो कॉट सेट, ये भी मैं अपने ब्रांड में कंसीडर करने वाली हूँ। यस, तो मरून कलर है, तो ये बहुत क्यूट लगा मुझे, मैंने इसको ना ट्राई करके भी देखा, ये मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये उसका टॉप है और तो ये उसकी पैंट है, ये बेल बॉटम टाइप्स जो अभी बहुत ज़्यादा निकली है, तो अच्छा है। आपको ये भी मेरे पेज पे से मिल जाएगा, ये मुझे मिला है वो लोग मतलब 1000 रुपीज़ बोलते हैं, बट मैंने 800 में भी लिया है आई थिंक, यस 800 में मैंने लिया है। और ये सेम है ब्लैक कलर का, इसकी स्लीव्स है और ये टी शर्ट है और सेम वो पैंट, जैसे मैंने आपको मरून पैंट बताई वैसी ब्लैक कलर की पैंट है, देखिए ऐसा, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। तो ये मुझे पड़ा है कुछ, ये भी सेम प्राइस में पड़ा है 800, मतलब मैंने दो लिया तो 800 में मुझे पड़ा। और मैंने दो इनर वेयर भी लिए थे तो ये इनर वेयर है बहुत क्यूट सा और ब्लैक कलर का, और ये कुछ मुझे पड़ा 250 में, यस तो ये दोनों मुझे पड़े 500 में ठीक है। तो ये ब्राउन और ऑलमोस्ट मैंने आपको सबके प्राइसेस बता दिए हैं। और हमने ख़रीदे हैं दो चश्मे, ये वाला मुझे ना उन्होंने 250 का दिया और ये वाला भी 250 का दिया है मुझे, तो वो लोग मोस्टली 200 का दे देते बट मुझे पता नहीं मतलब वो लाइन में उन लोग मुझे बहुत, वो जो लेन है ना उधर पे मुझे उन लोग पहचानते हैं, मतलब उनको पता है कि मैं अपने कॉलेज टाइम से शॉपिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद उनको ये भी पता है कि मैं फेमस भी हुई थी और मतलब फेमस हूँ, ऐसा उनको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग ने ये सोचा कि अरे ये तो दे देंगे पैसा मतलब, तो उन्होंने मुझे पहले ये चश्मे का मुझे उन्होंने बोला 400, मैंने बोला 400 का नहीं आता है इतना, आप ये मत समझो कि मैं हाँ कुछ ऐसा बन गई हूँ तो आप मुझे महंगा बेचोगे, लूटो मत सीधा बोलो। तो ये मुझे पड़ा दोनों 500 में। एंड वी हैव वन फुटवेयर, सो वी हैव दिस फुटवेयर जो मुझे पड़ी 350 रुपीज़ की, तो क्यूट लगा मुझे। दैट्स इट फॉर, ख़त्म हो गई शॉपिंग का, ये सो यस हमारी शॉपिंग का हॉल डन हो गया है। और अगर आप चाहते हो कि मैंने बांद्रा से अरफात के लिए भी कपड़े लाए थे बहुत सारे उसी दिन आई थिंक,
उसी दिन या उसके एक दिन दो दिन पहले, तो आप चाहते हो कि मैं इसके कपड़ों का हॉल वीडियो बताओ और अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं बैंड्रा में बच्चों के, तो अगर आप चाहते हो मैं वो बताऊँ तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, तो मैं बताऊँगी आपको। और अगर यस नेक्स्ट वीडियो में बोलो जोर से, आप लोग मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे स्ट्रीट शॉपिंग बताओ स्ट्रीट शॉपिंग बताओ, तो ये सब मैंने बैंड्रा हिल रोड से लिया हुआ है और बैंड्रा लिंक रोड से भी मैं लेती थी, वहाँ पर भी अच्छे मिलते हैं, बट हमारे जब मैं कॉलेज में थी इट्स अबाउट 4 years back और 5 years back, तो जब मैं कॉलेज में थी तब ये चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी, अभी थोड़ा सा मतलब बोलते ना टाइम के साथ में थोड़ा प्राइसेस बढ़ गया है, बट ठीक है मतलब दे आर वेरी रीजनेबल, मतलब अगर ब्रांड्स एंड ऑल से आप लेते हो तो उनके हिसाब से तो बहुत रीजनेबल है। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग, लाइक करो कमेंट करो शेयर करो, बाय गाइस, बोलो बाय गाइस।